इस सरकार विधायक और सीमेंट फैक्ट्री की विभिन्न नीतियों से प्रताड़ित ये उपस्थित किसान और ये मातृशक्ति यहाँ प्रशासन और पुलिस के अधिकारी खड़े हुए वो सोच रहे होंगे ये किसान यहाँ क्यों आया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं ये किसान इसलिए आया है धरती का सीना चीर करके अन्न उगाकर 1 करोड़ 1 अरब 25 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान जब भूखा रहता है तब उसे हक मांगने के लिए धरना देना पड़ता है। जिसके टैक्स के पूरे पैसे से पूरा देश रोशन हो रहा है और उसे किसान की जब बिजली काट दी जाती है तब उस किसान को धरने जाना पड़ता है। उसे किसान के टैक्स के पैसे से पूरे देश में चमचमाती सड़कें बनती है और उसी किसान के घर पे जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को जेसीबी के द्वारा गड्ढों के द्वारा खोद दिया जाता है और उधर से सिर्फ एकमात्र यही होता है कि वो वहां से परेशान होकर निकल जाए। तब यहां धरना देने के लिए किसान को आना पड़ा। इस देश की संस्कृति, इस देश का गौरव ऐसा रहा ही नहीं है कि व्यक्ति डर जाए। इस देश का नाम जो भारत है उसे एक छोटे से बालक भारत ने शेर के बच्चे के दांत गिन लिए थे। पकड़ सिंह सावक हाथों में दांत गिने नादानी में हर माता में छड़ी दिखती है झांसी वाली रानी। चिंगारी को दिखाने देना इन सब में है बार बार भले किसान शक्ति वो ताकत है आग लगा दे पानी। प्रशासन और पुलिस इन किसानी को किसानों की शक्ति को पूरे नहीं आके प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष मैं कहता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसान नहीं सब व्यक्ति किसान हैं और इसलिए सीमेंट के फैक्ट्री के द्वारा जो भी व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है वो किसान है। स्थानीय विधायक प्रशासन और पुलिस के द्वारा पिछले दिनों जो यादगियां सामने आई बड़ी शर्म की बात है। एक महिला के बाल पकड़कर एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा जब उसे घसीटा गया तब मुझे याद आता है एक बार सोनी ने लोहे से पूछ लिया जब मुझे पीटा जाता है तो मैं आवाज नहीं करता लेकिन जब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम इतनी आवाज क्यों करते हो। उस लोहे ने कहा मैं सोना हूं मुझे लोहा पीटता है इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती लेकिन लोहा बोला मैं लोहा हूं और मुझे लोहा ही पीटता है इसलिए मैं चिल्लाकर कहता हूं चिल्लाता हूं। एक महिला अधिकारी जब महिला को घसीटती है तब तकलीफ ज्यादा होती है तब पीड़ा ज्यादा होती है। एक महिला को महिला की पीड़ा को अधिक समझना चाहिए जबकि वो ऐसा नहीं कर पाती तब विचार करना पड़ता है सोचना पड़ता है और अपनी बात कहनी पड़ती है। सीमेंट फैक्ट्री का जो प्रबंध समिति है वो यदि ये सोच रही हो कि स्थानीय विधायक और कांग्रेस की सरकार परमानेंट स्थायी है इन्हीं के बलबूते पर हम अपने डुगडुगे बजाते रहेंगे तो इस गलतफहमी को वो छोड़ दें क्योंकि तो सरकार का तो 4-5 महीने का समय है जिसमें वो प्रभाव से नहीं ले पाएगी। आगे क्या होने वाला है उसका भी ध्यान दे लें और बड़ा दिल दिखाते हुए और इस देश में आके इन किसान बंधुओं से बात करें इनकी पीड़ा सुने और जो कुछ इनके लिए कर सकते हैं उनको करना चाहिए ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूं। केवल राज्य सरकार के द्वारा
नीतियों के द्वारा किसी सीमेंट फैक्ट्री का संचालन संभव नहीं है। केंद्र सरकार का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जिस दिन केंद्र सरकार का दूता इस सीमेंट फैक्ट्री में पड़ेगा उस दिन इनको नारी याद आ जाएगी। सूचना के अधिकार में विभिन्न जो दस्तावेज हैं वो निकाले जा रहे हैं और जल्दी ही वो सब इस सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जाने वाले हैं। इसलिए मैं पुनः फैक्ट्री की प्रबंध समिति को आगाह कर रहा हूँ कि एक बार आप आज ही, ताकि इस आंदोलन को बड़ा नहीं करना पड़े, स्टेज पे आए, किसानों से बात करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ